नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका टेक्निकल स्पोर्ट्स गेमिंग के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो लिविक मैप के ऊपर होगा, तो हियर इज़ द वीडियो। और आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और भाई साहब, इस वाले मैच में मेरे सिर्फ एक ही किल हुए थे, और लिटरली इसमें सिर्फ मेरे एक ही किल हुए थे। हाँ, दो तीन बॉट्स आए थे, बट मेरे कमीने रैंडम टीममेट्स ने सारे किल चोरी कर लिए। और थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर मारना, मेरी थोड़े से मेरा थोड़ा वॉइस गए हैं, तो कोई नहीं, छोड़ते हैं उसको, रखते हैं उसको साइड में और आते हैं इस गेम प्ले के ऊपर। और यहाँ पर मैं आया था हॉट स्प्रिंग, तो सोचा कि क्यों ना हॉट स्प्रिंग जाते हैं बहुत दिनों के बाद। सो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग पे उतरते ही मेरे को मिल जाती है बैरल, और इसके कुछ बुलेट्स मिल जाते हैं। और जिगलिंग करने के चक्कर में मैं गिर गया नीचे, बट फिर दिखी ये मेरे को UMP और जंप मारा तो मैं चला गया नीचे। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मेरे को कुछ मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। उसके बाद फिर इधर चलते हैं देखने के लिए क्या, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और फिर चलते हैं ऊपर ऊपर की ओर ताकि हमें कुछ मिल सके। तो ये हमें वहाँ पर एक हॉलो स्लाइट मिल चुकी थी, जो कि मैंने बैरल में ऑटोमेटिकली लग गया। और यहाँ ऊपर आ रहे थे, सो यहाँ पे हमें मिल जाती है शॉटगन का जैसा ही, जो जिसमें 9.5 की बुलेट लगती है वो वाली गन थी। और कुछ और हमें 7.62 की एमओ मिल जाती है, एक पेप्सी मिल जाती है, मेरा मतलब एनर्जी ड्रिंक मिल जाती है जिसको कि मैं पेप्सी बोलता हूँ। और फिर से हम इधर आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो हम चलते हैं उधर। और देखो, मेरे टीममेट ने पैन से किसी एक बंदे को मार के नॉक कर लिया, जिसको कि आप किल फील्ड में रिवाइंड करके देख सकते हो। तो यहाँ हमें मिल जाता है लेवल 2, बट मेरे टीममेट ने किल चोरी कर लिया। मतलब मैंने उसकी किल अपने टीममेट की किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं हो पाया। वो टीममेट आधे में ही भाग गया। पहले मैंने स्कार उठाई, फिर बोला नहीं कार 98 रखते हैं, फिर सोचा कि नहीं स्कार ले लेता हूँ एक, और फिर बोला कि नहीं स्कार की एमओ बहुत कम है तो बैरल ही रखते हैं। और मैंने दोनों 7.62 की गन्स रखी, और फिर से मैं और कार 98 तो रिलोड थी नहीं, तो उसे लगाया रिलोड पे। और फिर एक मिल गई है मेरे को, ये काली डंडी या फिर काला जो उसे जो भी है भाई, मैं इसे दूसरे नाम से ही बुलाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फनी नाम होता है। और मेरे देखो, मेरे मतलब टीममेट्स यार मतलब किल पे किल किए जा रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। फिर सोचा क्यों ना इधर से बाहर निकलना है, तो यहाँ थोड़ी देर रुक लिया जाए और चलते हैं फिर यहाँ से। यहाँ मेरे को अब मेरे इम्यूनिटी मेरी बढ़ चुकी है, तो अब यहाँ से हम चलते हैं उधर। तो प्लेन की आवाज़ आ रही थी, तो सोचा कहीं ड्रॉप वगैरह हुआ है, तो प्लेन तो दिखा नहीं है अपन लोगों को। तो फिर से मैं वापस से इधर, पता नहीं पर इधर से मैं यहाँ पे क्यों आ गया था। तो जब यहाँ पे आया तो सोचा कि क्यों ना इस वाले जो रेस्टोरेंट है इसको लूटता चलो। और यहाँ पर मिल जाता है हेलमेट लेवल 2 का टोपा, और यहाँ पे इधर मिल गई ट्रैक्टर जिसका नाम कि वेक्टर है, बट मैं इसको ट्रैक्टर बोलता हूँ। और यहाँ पे मिली है मेरे को P90 और एक ये एक्सटेंडेड मिल गया और काली डंडी। तो चलते हैं उनके पास। और यहाँ पर आते ही मेरे को मिल जाती है 2x स्कोप, एक काली डंडी जो कि ऑटोमेटिकली बैरल में लग गई, कुछ 7.62 की एमओ, और एक पैन मिल गया जिसकी मदद से मैं इसको एनिमीज को मार सकता हूँ वो थ्रो करने वाला। और ये मेरा टीममेट मिला जो कि बहुत सारे किल्स कर रहा था, जिसके के ऊपर मेरे बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो सोचा क्यों ना इसे डराया जाए। और ये इतना ज़्यादा भाई साहब हिल रहा था कि मेरा एम ही नहीं बैठ, ये देखो फिर से देखो मैं एम बैठाऊँगा, ये देखो
फिर से हिल गया ये, फिर से एम बैठेगा और ये भाग जाएगा। और सोचा कि क्यों ना छोड़ ही देते यार, पहल को लगा गया तो नहीं। और ये इसको लगा तो ये सोच रहा है भाई साहब मेरे को किसने मारा मेरे को। तो ये छूट गया पीछे और हम निकल गए आगे। और उसके बाद हम चले जाते हैं, आते हैं इस सिटी में और यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ लूट वगैरह मिलती है क्या। तो ये सामने में एक घर जा रहा मिल रहा था मेरे को, तो सोचा क्यों ना इस घर से ही पहले शुरुआत की जाए। तो इस घर में घुसते ही मेरे को मिलती है एक और काली डंडी, जो कि पहले तो थी वो क्विक ड्रॉ वाली, उसके बाद मेरे को यहाँ मिलती है कुछ 7.62 की और एमओ। पता नहीं ये बंदा ऊपर क्यों चला गया। मेरा एमओ उठाई और पेप्सी एक उठा ली। और इधर मेरे को मिल गया एक नेड और सप्रेसर मिल गई मेरे को, शॉर्ट नहीं चाहिए क्योंकि गन है। और फिर सोचा कि उधर चले, बट मेरे को यहाँ पे मार करके इसकी हेल्थ किट ले लेते हैं। इसके पास भी बैरल थी तो मैंने कहा अच्छी बात है, मेरे को चाहिए नहीं, मैं अगर नहीं होता तो मैं ले लेता इसके पास से। और देख रहे हो मेरे किन बंद मेरे जो टीममेट है वो किल पे किल किए जा रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं यार, मतलब मैं बोलता हूँ। और मैं देख रहा था कि मैं ये जो हॉलो स्लाइट होता है जो कि बहुत पहले आया था, मैंने इसे कभी मतलब मेरे पास लगा हुआ रहता था बट मैं इसको आज तक यूज़ नहीं किया था। लिटरली मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया था। तो आज देखा कि क्या है वैसा मैंने देखा जाए इसको। तो फिर मैं देख रहा हूँ मतलब एक नंबर मेरा कितना, मतलब कितने सारे किल कर चुका है और मेरे को लिटरली अभी तक एक भी किल नहीं हुआ। और फिर लास्ट में जा करके एक किल होता है मेरे। और यहाँ पर फाइनली हमें मिल चुकी है 6x स्कोप, जो कि हम लगाएंगे कार 98 में, और ताकि हम कुछ स्नाइपर के शॉट्स दे सकें बंदों को। और यहाँ पर हमने 6x इसमें स्विच कर लिया और देख रहा था कि कहीं आसपास कहीं कोई बंदे वगैरह है। तो इस खंडहर में भी बहुत ज़्यादा कैंपिंग होती है तगड़ी लेवल वाली। तो कोई नहीं, उसको अभी तो फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है, छत पे भी कोई नहीं है। और इधर आगे चलते हैं तो, और यहाँ पर बच चुके थे अभी अलाइव थे टोटल 11 बंदे। और यहाँ मैं देख रहा था कि मेरे बैग में क्या अननेसेसरी चीज़ है जिसको कि मैं फेंक सकूँ। यहाँ पर A45 की बुलेट्स थी टॉमी की, जिसको कि मैंने फेंक दिया। और ये देख लो कि खेल फील्ड में मेरे एक नंबर टीममेट या फिर और भी जो टीममेट है वो बहुत सारे किल कर चुके थे मेरे को, बट मेरे को अभी तक एक भी बंदा नहीं मिला। मतलब क्या है ये, व्हाट इज दिस, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई साहब नहीं है कुछ, तो इधर उधर घूमते हैं और किसी एक टीममेट के साथ रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ना मैं टीममेट नंबर 2 के पास रहता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी मैं मतलब क्योंकि बंदे तो अब मार लेते हैं तो मस्ती ही कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं देख रहे हो मतलब एक किल मिला मेरे को, बट वो भी मेरे टीममेट ने चोरी कर लिया। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मैं मेरे को कुछ बोलने का ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मेरे को इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा एक बार ये सोचा कि मैं नेट से उड़ा दूँ, फिर बोला छोड़ो। यहाँ पर मेरे को मिल गई एक मेलिंडा पेन किलर। और फिर इधर मैं देख रहा था कि कहीं कोई बंदा नहीं रहता क्या। तो यहाँ पर तो मेरे को फिलहाल कोई दिखा नहीं, बट यहाँ पर ये जो नेड कर रहा था तो मेरे को उधर से लगा कि कोई और दूसरे बंदे ने भी नेड किया है। और अभी जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पर देखो उस पेड़ के पास एक साइड से बंदा था जिसको कि मैंने उस टाइम नहीं देखा, बट मैं यहाँ पे अभी एक बंदे को मारने वाला हूँ। जस्ट आप देखना अभी देखना, वो देखो वहाँ पर एक बंदा दिखा जैसे ही मैं इसे मारू कार्ड से ये एक मारा हुई और ये मर गया।